I'm going to make you understand fertilization in angiospermic flowers. मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है मेरे एक वीडियो में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स. ओके, लेकिन फर्टिलाइजेशन जानने से पहले पॉलिनेशन का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू ही ये जो गैमेट्स हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स वो क्लोज आते हैं. And then fusion होता है and the fusion is called fertilization. So let us first go through the process of pollination. The process of pollination. Pollination means what? Transfer of pollen grains from anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma. This is what is called pollination. मैंने आपको वीडियो में समझाया है कि दिस एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टिग्मा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. देन व्हाट डू द फ्लावर्स नीड? फ्लावर्स नीड मेल गैमेट्स. एंड व्हाट इज दिस मेल गैमेट? दिस मेल गैमेट इज पॉलन ग्रेन्स. सो फॉर दिस पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन and then second one is called cross pollination. What is this self pollination? Self pollination ka matlab hai, just look at this. This is what the plant having flowers on that. Isme bahut sare flowers hain, hai na, jo ki bisexual hai aur maybe unisexual flowers. So the transfer of pollen grains from anther to stigma, this is of two types. This self pollination you can define. Self pollination ko aap do tarah se define kar sakte hain. पहला है कि सेल्फ पॉलिनेशन को हम कह सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. इन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मींस व्हाट? दैट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और two different flowers of the same plant is called self pollination. Then what do we mean by cross pollination? What is cross pollination? Cross pollination is suppose two plants are there of the same species, don't forget, two plants are there of the same species, but in cross pollination when the transfer of anther to stigma from anther to pollen, the transfer of pollen grains from anther to stigma between two plants of the same species. The transfer of pollen grains from anther to stigma between two flowers of two plants of the same species. Two flowers of two plants of the same species. This is what is called cross pollination. What it is known as? क्रॉस पॉलिनेशन. अगर स्पीसीज अलग हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं. स्पीसीज का सेम होना जरूरी है. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ लेट अस गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स. आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड. आई हैव गिवन यू द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट इज स्वेलन एट द बेस. इट इज स्वेलन एंड दिस स्वेलन पार्ट इज नोन एज This swollen part is what called ovary. This is what is ovary. Inside it, ovules are found. और ovules में eggs होते हैं. मैंने आपको बताया था. तो मैंने बोला transfer of pollen grains. When pollen grains land on stigma, stigma का nature sticky है. वहाँ पे sugary material होने की वजह से ये sticky by nature होता है. तो जैसे ही pollen grains land करता है, वो stigma के ऊपर चिपक जाता है. And this pollen grains are a bit lighter in weight. बहुत हल्के होते हैं. वो आके इसमें जैसे ही चिपकते हैं, देन यू नो व्हाट दे डू? दिस पॉलन ग्रेन्स, द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग. दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग. सो डू यू नो व्हाट दे डू? ये क्या करते हैं? ये जर्मिनेट करके स्टिग्मा में होल करते हैं एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट दे डू? दे दिस जर्मिनेट इनटू अ ट्यूबलेस स्ट्रक्चर. ये पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करके एक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्टिग्मा से होता हुआ ओवरी तक पहुंचता है एंड इट एंटर्स इनसाइड
टू रीच टू द ओव्यूल, ये अंदर ओव्यूल तक पहुंचने के लिए जाता है। तो ये इसकी एंट्री कहां से होती है, एक टाइनी होल है जिसे कि हम कहते हैं माइक्रोपाइल, इसे हम क्या कहते हैं माइक्रोपाइल। सो थ्रू माइक्रोपाइल इट एंटर्स इनसाइड द ओव्यूल ऑफ द फ्लावर, इट्स ओके, एंड इट कैरीज दिस पॉलन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब कैसे बना, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन, इनर वॉल के जर्मिनेशन के द्वारा। और ये पॉलन ट्यूब जो है टू पॉलन ग्रेन्स यानी दो मेल गैमेट्स को लेकर के ओव्यूल तक आता है, दो मेल गैमेट्स को लेकर के ओव्यूल तक पहुंचता है। एक मेल गैमेट जो है वो ओव्यूल से फ्यूज करता है, वन मेल गैमेट फ्यूज विद ओव्यूल टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, और व्हाट डू यू से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट। जायगॉट का फॉर्मेशन होता है जो रैपिड डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो बनाता है। और जो दूसरा पॉलन ग्रेन है वो पोलर न्यूक्लियाई से डिवाइड करता है, फ्यूज करता है, नॉट डिवाइड सॉरी, ये फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से। एंड दिस फ्यूजन, यू नो द फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन्स और द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट, व्हाट इट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगामी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिंगामी कहते हैं। याद रखिएगा कि फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द एग्स ओवा इज कॉल्ड सिंगामी, बट द फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द पोलर न्यूक्लियाई, इस पोलर न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन, जो कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये इस फ्यूजन से जायगॉट का फॉर्मेशन होता है और पॉलन ग्रेन के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंडोस्पर्म। इस फ्यूजन को मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को सिंगामी कहते हैं एंड मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों को टुगेदर हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज व्हाट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स, व्हाट इट इज कॉल्ड, डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन दिस मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, जब ये फ्यूज करते हैं, जायगॉट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जायगॉट एन एम्ब्रियो, इट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। Embryo means consisting small plantlet. But what happened with this polar nuclei? जब वो polar nuclei से fuse करते हैं तो वो endosperm बनाते हैं। What is the function of endosperm? It has a very important role in this fertilization. Do you know? This endosperm is supportive, protective, and it provides nutrients to the embryo growing germination at the time of germination. At the time of germination, what it does, it provides nutrients to the new plant, protection to the new plant and support to the new plant. And they help in the growth and development of this new plant. जब तक plants में leaves नहीं आएंगे, तब तक उनमें process of photosynthesis नहीं होगा. और जब तक उनमें process of photosynthesis नहीं होगा, तो obviously उनको food नहीं मिलेगा. बट वी नो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के समय उनको उनको एनर्जी चाहिए, उनको फूड चाहिए, तो ये फूड देता कौन है, दिस इज प्रोवाइडेड बाई एंडोस्पर्म, दिस इज वॉट प्रोवाइडेड बाई एंडोस्पर्म। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस फर्टिलाइजेशन, वॉट इज सिंगामी, वॉट इज ट्रिपल फ्यूजन, वॉट डू यू मीन बाई डबल फर्टिलाइजेशन, हाउ दिस पोलन ट्यूब इज फॉर्म, वॉट इज द टाइनी होल थ्रू विच दिस ovules go inside the ovary. So I hope you understand it well. अगर आपने समझ लिया है तो आप प्लीज कमेंट लिखिए और लाइक करना मत भूलिए एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। मैं अगले अपने वीडियो में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स बताऊंगी। इसके बाद, इस टॉपिक के बाद, देयर इज वन मोर टॉपिक आई वुड लाइक टू डिस्कस टू यू, मैं आपको बताना चाहूंगी, एंड दैट टॉपिक इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब इस फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, दैट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। यू नो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगॉट का फॉर्मेशन हुआ, इस जायगॉट के फॉर्मेशन के बाद
ये जो आपके पेटल्स हैं, पेटल्स एंड सेपल्स, दे वेदर्ड ऑफ, वो गिर जाते हैं, ड्राई होकर के गिर जाते हैं. देन व्हाट अबाउट दिस स्टिग्मा एंड व्हाट अबाउट दिस स्टैमेन, दे डिजेनरेट. ये इनका क्या हो जाता है, इनका डिजेनरेशन हो जाता है, ये डिजेनरेट कर जाते हैं, ये वेदर्ड ऑफ हो जाते हैं, ये ड्राई होकर के नीचे गिर जाते हैं एंड दे डिजेनरेट. देन व्हाट हैपेंस विद द ओवरी, ओवरी स्वेल्स एंड टर्न्स इनटू फ्रूट्स. ओवरी स्वेल्स एंड टर्न्स इनटू फ्रूट एंड दिस ओवरी फ्रूट्स बनाता है और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स बनाते हैं. ओव्यूल्स क्या करते हैं, ओव्यूल्स जो है वो सीड्स बनाते हैं. सो दिस इज व्हाट द चेंजेस टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स. So thank you all of you. Wait for the next video. I hope you will like this video and after seeing this video you will be able to solve so many questions. Thank you once again.